ट्राई टू अंडरस्टैंड सुहानी, ये हम दोनों के बारे में है। समझ तो आप नहीं रहे हमें। आपको नहीं लगता कि आपकी कोई जिम्मेदारी है? जब आप किसी के घर की बहू बनो। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं। वो बातें आपकी और हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी, याद है आपको? आपके बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या की शादी में क्या कर रहे थे हम वहाँ? उनका मेकअप। हम मिल ही ना पाते अगर हम मेकअप आर्टिस्ट ना होते। वहाँ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लड़कियों ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए सुहानी, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, हम आपको घर वालों से मिलाना चाहते हैं ताकि हमारे शादी की बात हो। और आप है कि ये शादियों के मेकअप और मॉडल्स के मेकअप, मतलब सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या ज़रूरत है ये सब करने की? लगता है आपको ये इतना आसान है? शायद आपको आर्टिस्ट वर्ड का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सिंगर से कह दे वो गाना गाना छोड़ दे, किसी राइटर से कह दे वो लिखना छोड़ दे, या किसी आशिक से कह दो कि वो मोहब्बत करना छोड़ दे। सुहानी प्लीज, हमारा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है कबीर? हम शर्मा हैं, हमारे यहाँ शर्मा शर्मा में ही शादी होती है, फिर भी हमने अपने मॉम डैड को मना लिया। क्या वो इतना आसान था? शायद हमने आपकी अच्छाई को ज्यादा ही, नहीं शायद हमारे मॉम डैड हमसे इतना प्यार करते, हम पर इतना भरोसा करते, पर शायद हमने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। अगर आपसे शादी करने के लिए हमें अपना आर्ट अपना काम छोड़ना पड़े तो हमें आपसे शादी ही नहीं करनी। सुहानी सॉरी, हम मना लेंगे अपने घर वालों को, ठीक है? अब हंस भी दो। नहीं कबीर, ये हमें इमोशनली नहीं चाहिए, दिल से चाहिए। हाँ पापा, दिल से कह रहा हूँ, अब तो मुस्कुराओ।